चलिए बात कर लेते हैं चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी तिथि की। इन तिथियों में की गई यात्रा हमारे भविष्य पर कैसे असर डालती है, क्या इन तिथियों में यात्रा करना लाभकारी होता है या फिर इन तिथियों में यात्रा टालने में ही हमारी भलाई छिपी हुई है, आइए जानते हैं। जरा इन तिथियों के बारे में बताइए पंडित जी। देखो, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन यात्रा करना अशुभ माना गया है। अब आप कहेंगे क्यों? क्यों का जवाब ये है, चौथ चतुर्दशी नवमी रिक्ता, चौथ और चतुर्दशी और नवमी ये तीनों रिक्ता तिथियां हैं। रिक्ता का मतलब खाली, रिक्त माने खाली, रिक्ता माने जो खाली हो। रिक्ता सर्वत्र निंद्यते, रिक्ता तिथियां सर्वत्र निंदित होती हैं। रिक्ता तिथियां कभी किसी काम के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो जनेऊ हो, चाहे वो मुंडन हो, चाहे वो विदाई हो, चाहे वो यात्रा हो, रिक्ता तिथियां कभी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। और ये रिक्ता तिथि चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी दोनों पक्ष की होती हैं, तो इसलिए रिक्ता तिथि में तो यात्रा ना करें। इस तिथि में यात्रा करने से बड़ी रुकावट और अनहोनी होने के योग बनते हैं। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन शुरू की गई यात्रा लाभदायक होती है और मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है, क्योंकि पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, पूर्णा ये पूर्णा संज्ञक तिथि है और पूर्णा का मतलब जो सब कुछ अपूर्ण को भी पूर्ण करे। तो इसमें जो आप यात्रा करेंगे तो निःसंदेह आपको आपकी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई देगी। किसी खास उद्देश्य से घर से निकल रहे हैं और तिथि पंचमी है तो सफलता जरूर मिलेगी। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि में शुरू की गई यात्रा मनचाहा फल कभी नहीं देती है। परिवा छठ एकादश नंदा, ये नंदा तिथि है और नंदा तिथि में यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो मन के अनुकूल फल नहीं मिलता है और इस यात्रा का सेहत पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि परिवार छठ और एकादश, इन तीन तिथियों में यात्रा ना करें। जय मां विंध्यवासिनी।